हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 12th रिजल्ट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 12th का जो बोर्ड रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, फिक्स डेट बताने वाला हूं, इस डेट को रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। और जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है सभी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम में प्रमोट हुए हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अंत तक आपको वीडियो को देखना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, राजस्थान प्रदेश में आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 12th को प्रमोट करने के बाद अब रिजल्ट की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 17 अंक भेजने के बाद 17 की डेट तो बढ़ा ही दी है, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि 31 जुलाई तक सभी स्कूल वाले आपकी जो 20% 17 अंक है कक्षा 10वीं के 12वीं के वो भेज सकते हैं। उसके बाद में आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आरबीएससी बोर्ड ने सभी डीईओ को निर्देश दे दिए हैं, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि आप जो है स्कूल वालों को अवगत करा दो कि इस फॉर्मेट पर आपको अंक भेजने हैं। और यहां पर डेट भी जारी हो चुकी है कि इस डेट को आपको अंक भेजने होंगे सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के, क्लास 10th के भी और 12th के भी। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कब तक रिजल्ट जारी होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या फॉर्मेट भेजा है, किस फॉर्मेट पे स्कूल वालों को अंक भेजने हैं। तो यहां पर जो है क्लास 8th की बात करें तो यहां पर सभी डीओ को, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आरबीएससी बोर्ड ने 8वीं का फॉर्मेट उपलब्ध करवा दिया है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में दिक्कत आती है। पता नहीं, काफियों को पता नहीं होता भाई कि इस ग्रेड के इतने मार्क्स होते हैं, इतने परसेंटेज होते हैं। तो यहां पर वापस से बोर्ड ने अवगत करवाया है सभी स्कूल वालों को किस ग्रेड के आधार पर, इस प्राप्तांक के आधार पर आप अपने नंबर भेजेंगे। तो क्लास 10th की बात करें तो आप सभी को बताया क्लास 10th का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। क्लास 10th का जो फॉर्मेट है 45% नंबर 8th क्लास के जाएंगे, 25% नंबर 9th क्लास का वेटेज होगा, और 10 और 20 मतलब करीब 30% वेटेज 10th क्लास का होगा। तो यहां पर 45% वेटेज इस तरफ से रहेगा। अगर आपके A+ हैं, अगर आपके 8th क्लास में A+ थे तो आपके 91 से 100 के बीच में प्राप्तांक जाने वाले हैं। A ग्रेड अगर आपके ओनली था तो 76 से 90 बीच के आपको नंबर मिलने वाले हैं। वहीं आपका ग्रेड B था तो 61 से 75 के बीच में आपको नंबर मिलने वाले हैं। वहीं यहां पर ग्रेड C था तो 41 से 60 के बीच में, और ग्रेड D था तो 0 से 40 के बीच में आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, इसी के आधार पर आपको 8वीं के 45% वेटेज मिलेगा। तो यहां पर जितनी भी आपकी परसेंटेज है, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको एग्जांपल देके समझाया था, अगर किसी की 8वीं में 90% बनती है तो उसका 45% वेटेज कितना होगा, ये आप अपने निकाल सकते हैं। या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT-JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 17 अंक कितने जाएंगे, भाई लगभग आपके 19-20 ही 17 अंक जाएंगे, 19-20 से बिल्कुल कम नहीं जाएंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूं कि सभी स्कूल वालों को कब तक ऑनलाइन आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने होंगे, तो अंक निर्धारण समिति को 12 जुलाई तक बोर्ड की वेबसाइट पर जो आपके मार्क्स हैं सभी विद्यार्थियों के क्लास 10th के वो अपलोड करने होंगे। तो यहां पर 12 जुलाई तक जो है मार्क्स अपलोड करने होंगे सभी स्कूल संचालकों को, सभी विद्यार्थियों के मार्क्स अपलोड करने होंगे 12 जुलाई तक। तो 12 जुलाई तक मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद में काम रहेगा बोर्ड का, उसके बाद बोर्ड जो है डिसाइड करेगा कि मतलब बोर्ड आपका रिजल्ट तैयार करेगा। तो यहां पर 12 जुलाई तक सभी स्कूल वालों को ऑनलाइन जो है अपलोड करने होंगे आपके मार्क्स। भाई मैं बात करूं क्लास 12th की, क्लास 12th का रिजल्ट 10वीं वालों से पहले आएगा, यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीएसई बोर्ड को और आरबीएससी बोर्ड को या अन्य किसी स्टेट बोर्ड को 31 जुलाई से पहले सभी स्टेट बोर्ड को रिजल्ट जारी करना होगा क्लास 12th का, जिससे कि उनकी जो कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्दी शुरू हो। तो यहां पर राजस्थान बोर्ड भी तैयारी कर चुका है और 31 जुलाई से पहले 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। साथ ही मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको कि 12th क्लास का रिजल्ट किस आधार पर रहेगा और कब तक उनके अंक भेजे जाएंगे। तो 7 जुलाई तक सभी स्कूल वालों को 12th क्लास के अंक भेजने होंगे। वहीं हम बात करें 12th क्लास का मार्किंग फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इस बार 12th क्लास का जो मार्किंग फॉर्मूला है, आपके लास्ट 10th क्लास की जो परसेंटेज है उसका 40% वेटेज लिया जाएगा, आपके 11th क्लास की परसेंटेज का 20% वेटेज लिया जाएगा,
और ट्वेल्थ क्लास की अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ क्लास में 20% आपके इंटरनल जो असेसमेंट है उसका वेटेज रहेगा और 20% आपके सत्रांक रहेगा। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है। साथ ही 7 जुलाई तक सभी स्कूल संचालक को ऑनलाइन आपके जो है मार्क्स अपलोड करने होंगे बोर्ड की वेबसाइट पर, जिससे कि 31 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो सके। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी क्लास ट्वेल्थ के लिए, टेंथ के लिए। टेंथ का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। टेंथ का रिजल्ट आएगा 12th के बाद में, अगस्त में जारी होगा टेंथ का रिजल्ट। पहले 12th का आएगा उसके बाद में टेंथ का आएगा, तो अगस्त में जारी होगा। अगस्त स्टार्टिंग में ही टेंथ का रिजल्ट जारी हो जाएगा, वहीं 12th का 31 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर राजस्थान प्रदेश में आरबीएससी बोर्ड के बोर्ड रिजल्ट की तैयारी के लिए यहां पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए आरबीएससी बोर्ड ने कि आपके आसपास के जितने भी स्कूल संचालक हैं, जितने भी स्कूल हैं, वहां पर उन्हें अवगत कराएं, जल्दी से जल्दी मार्किंग फॉर्मूले को तैयार करें और अपलोड करें वेबसाइट पर, जिससे जल्द से जल्द आपका रिजल्ट तैयार हो सके। तो यहां पर रिजल्ट आपका जल्द जारी होने वाला है। ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।